इस वक्त जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं दो जो नाव है जिन्हें कह सकते हैं कि फिशिंग बोट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ये चली आ रही थी। जो पीछे वाली बोट है यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अचानक से ख़राब होती है और इतनी पानी की जो धारा है साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही है। और जिस समुद्री बेड को आप देख पा रहे हैं ये महानदी से भी जुड़ी हुई है और दूसरा बोट उसे बचाने के लिए आता है लेकिन वो भी यहाँ पर फंस जाता है। तो बंदरगाह से जो इसकी दूरी है तकरीबन ये 5 किलोमीटर की दूरी है और अगर आप उस तरफ अगर देखेंगे वहाँ पर जो नाव हैं और भी जो बड़ी बड़ी जो जहाज हैं वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल जो ये पूरा बेड है यहाँ पर देखने से आपको लगेगा। और सबसे बड़ी बात हम आपको एक और भी जानकारी देना चाहते हैं कि कल पूरे सभी की नज़रें थी कि कहाँ ये साइक्लोन टक्कर उसकी होगी, तो यही वो जगह है जहाँ पर साइक्लोन ने सबसे पहले टक्कर मारी थी और जिसकी चर्चा हो रही थी कि धामरा से होकर चक्रवाती जो तूफान है वो आगे की तरफ निकलेगा। तो ये वो लैंडफॉल वाली जगह है जहाँ पर आज रिपब्लिक भारत पहुँचा हुआ है। और जो आप दूर में देख पाएंगे पूरी तरीके से वहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, वो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जो एक जंगल नुमा जो शेप नज़र आ रहा है वहाँ से होते हुए चक्रवाती तूफान जो है धामरा की तरफ बढ़ा। और अभी जो ये खबर है कि यहाँ पर जो दोनों फिशिंग बोट हैं वो दोनों ही फंस चुके हैं और दोनों ही बिल्कुल अपनी उसी जगह पर अभी कितनी देर से अभी वहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि एक दूसरे को ये बचाने के लिए आए थे, इस धार से निकालने के लिए आए थे, लेकिन दोनों ही अभी यहाँ पर। और देखिए जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे थे, हालात वहां पर किस तरीके से धारा तूफान के वजह से बढ़ेंगे आगे, चक्रवात डाना पूरी ताकत के साथ ओडिशा में इस वक्त कहर बरपा रहा है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। दोनों राज्यों की सरकारों ने तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने की बड़ी तैयारी भी की है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि इस तबाही से गुजर जाने के बाद संभालने में कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा। इसी को लेकर के देखिए दाना के गुस्से पर हमारी एक खास रिपोर्ट। समंदर में बवंडर, आगे मुश्किल डगर। ओडिशा बंगाल दाना का प्रहार, दाना आया प्रलय लाया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना पूरी ताकत से ओडिशा और बंगाल में कहर बनकर टूट रहा है। तूफान के असर से ओडिशा के कई इलाकों में इस वक्त तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान दाना रात के करीब 2 बजे ओडिशा के धामरा तट से टकराया और लैंडफॉल के तहत इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिलहाल धामरा में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तट से टकराते ही दाना ने धामरा में जबरदस्त कहर बरपाना शुरू कर दिया। तूफान के असर से धामरा में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। दाना फिलहाल ओडिशा के कई इलाकों में किस तरह कहर बनकर टूट रहा है इसका अंदाजा वहां से आ रही ताजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो ये दाना का जो कहर है मेरे पीछे आप देख पाएंगे, ये पेड़ उखड़ चुके हैं और जो एक गांव आसपास बसे हुए हैं उन गांव के जो लोग हैं रात भर दुबके रहे घरों में, वो नहीं निकल पाए और अभी लोगों की गतिविधियां यहां पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल अभी भी हवाएं चल रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है कि जो साइक्लोनिक इफेक्ट है वो कम बैक ना कर ले, पीछे फिर से ना आ जाए। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे हम आपको दिखाते हैं और आगे कैसे पेड़ गिरे हुए इसे भी आप देखिए जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये शेल्टर की तरफ जाता है और उसके बाद ये जो पेड़ गिरा हुआ है सामने आप जो देख रहे तस्वीरें वहां पर पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है और पेड़ काट करके बिल्कुल जो और सीधे बकाली से हमारी सहयोगी पिंकी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे पश्चिम बंगाल से। पिंकी, पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार हो रही है, इस तूफान का असर कम करने के लिए किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? पिंकी
देखिए आप जानते हैं कल लैंडफॉल होने के बाद भी ये जो यहाँ का जो हवाएं हैं वो तेज होने लगी है और आज सुबह से वेदर बहुत ही खराब है, वेदर मौसम बहुत ही खराब है क्योंकि तेज तो हवाएं चल ही रहे हैं साथ साथ बारिश भी यहाँ पर बहुत हो रहा है। आपको ये भी दिखा दूं कि कल लैंडफॉल के टाइम में जब तेज हवा चलने लगी थी, जब ये जो बौखली है, बौखली लिखा हुआ है जो गवर्नमेंट से तरफ से बौखली आई लव बौखली कह के जो 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 टोके जो बैठाया गया था उसमें से बहुत सारा वर्ड ऐसा उड़ के चलाया दो बात में साइड में भी गिरा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं यहाँ पर जो बीच है वो बीच का सिचुएशन आप देख सकते हैं, वो समुन्द्र के धार का आप सिचुएशन देख सकते हैं आज कितना तेज हवाएं चल रही है। सिर्फ यही नहीं आपको ये भी दिखा दूं कि पिंकी आप तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहां जो चीजें हैं वो उथल पुथल नजर आ रही, काफी चीजें इधर उधर गिरी हुई नजर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं दो जो नाव है जिन्हें कह सकते हैं कि फिशिंग बोट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, ये चली आ रही थी। जो पीछे वाली बोट है यहाँ पर आप देखेंगे कि वो अचानक से ख़राब होती है और इतनी पानी की जो धारा है साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही है और जिस समुद्री बेड को आप देख पा रहे हैं ये महानदी से भी जुड़ी हुई है और दूसरा बोट उसे बचाने के लिए आता है लेकिन वो भी यहाँ पर फंस जाता है। तो बंदरगाह से जो इसकी दूरी है तकरीबन ये 5 किलोमीटर की दूरी है और अगर आप उस तरफ अगर देखेंगे वहाँ पर जो नाव हैं और भी जो बड़ी बड़ी जो जहाज हैं वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल जो ये पूरा बेड है यहाँ पर देखने से आपको लगेगा। और सबसे बड़ी बात हम आपको एक और भी जानकारी देना चाहते हैं कि कल पूरे सभी की नज़रें थी कि कहाँ ये साइक्लोन टक्कर उसकी होगी, तो यही वो जगह है जहाँ पर साइक्लोन ने सबसे पहले टक्कर मारी थी और जिसकी चर्चा हो रही थी कि धामरा से होकर चक्रवाती जो तूफान है वो आगे की तरफ निकलेगा। तो ये वो लैंडफॉल वाली जगह है जहाँ पर आज रिपब्लिक भारत पहुँचा हुआ है और जो आप दूर में देख पाएंगे पूरी तरीके से वहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जो एक जंगल नुमा जो शेप नज़र आ रहा है वहाँ से होते हुए चक्रवाती तूफान जो है धामरा की तरफ बढ़ा और अभी जो ये खबर है कि यहाँ पर जो दोनों जो फिशिंग बोट हैं वो दोनों ही फंस चुके हैं और दोनों ही बिल्कुल अपनी उसी जगह पर अभी कई कितनी देर से अभी वहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि एक दूसरे को ये बचाने के लिए आए थे, इस धार से निकालने के लिए आए थे लेकिन दोनों ही अभी यहाँ पर। और देखिए जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे थे हालात वहां पर किस तरीके से दारा तूफान के वजह से बढ़ेंगे आगे। चक्रवात डाना पूरी ताकत के साथ ओडिशा में इस वक्त कहर बरपा रहा है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। दोनों राज्यों की सरकारों ने तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने की बड़ी तैयारी भी की है लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखते हुए कहना मुश्किल है कि इस तबाही से गुजर जाने के बाद संभालने में कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा। इसी को लेकर के देखिए दाना के गुस्से पर हमारी एक खास रिपोर्ट। समंदर में बवंडर, आगे मुश्किल डगर। ओडिशा बंगाल दाना का प्रहार, दाना आया प्रलय लाया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना पूरी ताकत से ओडिशा और बंगाल में कहर बनकर टूट रहा है। तूफान के असर से ओडिशा के कई इलाकों में सख्त तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान दाना रात के करीब 2 बजे ओडिशा के धामरा तट से टकराया और लैंडफॉल के तहत इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिलहाल धामरा में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक
तट से टकराते ही दाना ने धामरा में जबरदस्त कहर बरपाना शुरू कर दिया। तूफान के असर से धामरा में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। दाना फिलवक्त ओडिशा के कई इलाकों में किस तरह कहर बनकर टूट रहा है, इसका अंदाजा वहां से आ रही ताजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो ये दाना का जो कहर है मेरे पीछे आप देख पाएंगे, ये पेड़ उखड़ चुके हैं और जो एक गांव आसपास बसे हुए हैं उन गांव के जो लोग हैं रात भर दुबके रहे घरों में, वो नहीं निकल पाए और अभी लोगों की गतिविधियां यहां पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल अभी भी हवाएं चल रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है कि जो साइक्लोनिक इफेक्ट है वो कम बैक ना कर ले, पीछे फिर से ना आ जाए। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे हम आपको दिखाते हैं और आगे कैसे पेड़ गिरे हुए इसे भी आप देखिए जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये शेल्टर की तरफ जाता है और उसके बाद ये जो पेड़ गिरा हुआ है सामने आप जो देख रहे तस्वीरें, वहां पर पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है और पेड़ काट करके बिल्कुल जो और सीधे बकाली से हमारी सहयोगी पिंकी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे पश्चिम बंगाल से। पिंकी, पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार हो रही है, इस तूफान का असर कम करने के लिए किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? पिंकी देखिए, आप जानते हैं कल लैंडफॉल होने के बाद भी ये जो यहाँ का जो हवाएं हैं वो तेज होने लगी है और आज सुबह से वेदर बहुत ही खराब है, वेदर मौसम बहुत ही खराब है क्योंकि तेज तो हवाएं चल ही रहे हैं साथ साथ बारिश भी यहाँ पर बहुत हो रहा है। आपको ये भी दिखा दूं कि कल लैंडफॉल के टाइम में जब तेज हवा चलने लगी थी, जब ये जो बौखली है, बौखली लिखा हुआ है जो गवर्नमेंट से तरफ से बौखली आई लव बौखली कह के जो 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 टोके जो बैठाया गया था उसमें से बहुत सारा वर्ड ऐसा उड़ के चलाया दो बात में साइड में भी गिरा हुआ है। और आपको ये भी बता दूं यहाँ पर जो बीच है वो बीच का सिचुएशन आप देख सकते हैं, वो समुन्द्र के धार का आप सिचुएशन देख सकते हैं। आज कितना तेज हवाएं चल रही है, सिर्फ यही नहीं आपको ये भी दिखा दूं कि पिंकी आप तस्वीरें वहां से दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहां जो चीजें हैं वो उथल पुथल नजर आ रही, काफी चीजें इधर उधर गिरी हुई नजर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।